दोस्तों, लगता है पीएम मोदी अपने एक वादे को जल्द ही पूरा करने वाले हैं, और ये वादा है भारत के एक अभिन्न हिस्से को वापस लाना, जिस पर फिलहाल पाकिस्तान कब्जा कर बैठा है, जिसका नाम है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी पीओके। जी हाँ, पीओके की घर वापसी मोदी सरकार के एजेंडे का एक हिस्सा है। अब भारत के विदेश मंत्री ने पीओके को लेकर कुछ ऐसा कहा है कि पीओके जहां भारत की जय जयकार करने लगा है, तो वहीं पाकिस्तान की शाहबाज सरकार के माथे पर पसीना टपकने लगा है। एस जयशंकर ने कहा कि पीओके पर पाकिस्तान ने कुछ भी उल्टा पुल्टा करने की कोशिश की तो भारत उसका भयंकर जवाब देगा। वहीं पीओके को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह केवल बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि पीओके भारत का हिस्सा नहीं है। पीओके के मुद्दे पर भारत की संसद ने एक संयुक्त रुख अपनाया है और देश के हर राजनीतिक दल ने उस रुख का समर्थन किया है। यह एक ऐसा रुख है जिसमें हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से पीओके को लेकर भारत का रुख देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि निकट भविष्य में भारत कोई बड़ा एक्शन भी ले सकता है। वहीं खुद पीओके के लोग भी भारत के रुख का एक तरह से समर्थन कर रहे हैं। पीओके के बड़े नेता भी ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पीओके के नेता कह रहे हैं कि पीओके संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी मीरपुर के प्रमुख नेता आरिफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान पीओके के लोगों से सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता और न ही उनकी जरूरतों को पूरा करता है। इलाके के लोग दशकों से उत्पीड़न, अनदेखी और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमें लूटा जा रहा है और जबरन विस्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 257 के मुताबिक पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। 1940 के दशक में संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन में इस हिस्से को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। इसके तहत 26 मामलों में निर्णय के अधिकार पीओके के लोगों को दिए गए थे, लेकिन लोगों को अभी तक ये अधिकार नहीं मिले हैं। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का वह हिस्सा है जो पाकिस्तान के साथ लगता है। 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने कबीलाई विद्रोहियों की मदद से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। भारतीय फौज इस हिस्से को वापस लेने के लिए लड़ाई रही थी, मगर उसी समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए। यूएन ने दखल देकर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवा दिया और जो जहां था वहीं काबिज हो गया। उसी समय से दोनों देशों की फौजें इंटरनेशनल सरहद की जगह लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ डटी हैं। पाकिस्तान पीओके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसे आजाद कश्मीर बताता है। मौजूदा समय में पाकिस्तान ने पीओके को गिलगित और बाल्टिस्तान दो हिस्सों में बांट रखा है। भारत सरकार समय समय पर पीओके को वापस लेने की बात कहती रही है। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी सरकार बनने के बाद यह मुद्दा ज्यादा गर्मा गया। मोदी सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने के बाद पीओके को वापस लेने की मांग जोर शोर से उठती रही है। खैर दोस्तों, आपके विचार से पीओके को लेकर क्या मोदी सरकार को तुरंत ही एक्शन ले लेना चाहिए? आपके इस संबंध में जो भी विचार हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।